हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में अपन ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देखी थी प्रोडक्शन फंक्शन की। ये दूसरी वीडियो है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पहले वाली नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसे देख लें, क्योंकि अगर वो नहीं देखी तो ये समझ में आने वाला है नहीं। उसके अंदर अब मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे प्रोडक्ट फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप है, तो अब फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है कि उससे पता चलता है कि ये देखिए, अब मैंने आए हुए बताया था आपको कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि मुझे कितना प्रोड्यूस करना है। अब उसका एग्जाम्पल लेंगे कि जैसे आप ये समझ लीजिए कि ये अपने एक खेत है, ये एक बीघा खेत है। इसके अंदर आपने क्या किया कि या तो लेबर का एग्जाम्पल ले लीजिए कि अपन ने लेबर लगाई, तो अपन ने 5 लेबर लगाई तो अपना जो है प्रोडक्शन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रही थी। ठीक है, आप कटाई देख लीजिए, हार्वेस्टिंग करा रहे थे तो उन्होंने फटाफट हार्वेस्टिंग की, बहुत बढ़िया ढंग से की। फिर आपने 10 लेबर लगाई तो और बढ़ गया, और फटाफट कटने लग गया। ठीक है, फिर आपने 15 लेबर लगाई तो फिर वो कॉन्स्टेंट ही रहा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि वो क्या है, भीड़ ज़्यादा हो गई। और फिर ऐसा हुआ कि आपने एक बीघा के अंदर 25-30 आदमी लगा दिए, तो अब क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो गया। जो पहले हार्वेस्टिंग हो रही थी उतनी भी नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ कि वो आपस में लड़ने लग गए। अब उनके हाथ की कोनी एक दूसरे के लगने लग गई और वो एक दूसरे के चटाचट चांटे लगने लगे, तो जो पहले जो प्रोडक्शन हो रहा था वो भी कम हो गया। तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि कैसे, मतलब अपन ऑप्टिमम चूज कर सकते हैं कि कैसे क्या होता है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि लॉ ऑफ रिटर्न, इसको लॉ ऑफ वेरिएबल बोलते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, इन द प्रोडक्शन द कॉमोडिटी। इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसके अंदर पहले अजप्शन देख लेंगे कि कौन कौन से हैं। इसमें क्या होता है कि एक तो अपन को ये ध्यान रखना है कि इनपुट जो है ना वो होमोजीनियस है। जैसे ऐसा नहीं बोल सकता कि एक लेबर मैंने बढ़ाई तो पहले वाला जो लेबर थी वो पतला था और दूसरा वाला जो लेबर लगाई वो मतलब मोटा है तो वो ज़्यादा काटेगा। इसके अंदर ऐसे समझना है कि होमोजीनियस है, पहले वाला जो लेबर है उसके समान ही दूसरा है, ऐसे मोटा ऐसे कुछ नहीं, होमोजीनियस समझना अपन को। ठीक है, उसके बाद में इसमें क्या ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी वही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पहले दांतली से काट रहा था अब छुर्रे से काट रहा है, तो टेक्नोलॉजी भी सेम होनी चाहिए। इसके अंदर ये अजप्शन ध्यान रखना है अपन को, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आएगी, आप सोचोगे कि ऐसे कैसे हो गया। तो ये अजप्शन थे अपने। अब इसमें देखिए, इन द प्रोडक्शन ऑफ ए कॉमोडिटी वर वन इनपुट इज वेरिएबल, इसमें क्या करना है कि अपन को एक इनपुट का देखना है। मैंने क्या कहा था कि अपन लेबर का ले रहे हैं, एक लेबर वेरिएबल है, लेबर चेंज कर रहे हैं। आप इसका एग्जांपल फर्टिलाइजर में भी ले सकते हो कि जैसे एक खेत है, इसके अंदर मैंने पहले 50 किलो यूरिया डाला तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की कमी थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर मैंने 60 किलो डाला, 70 किलो डाला, तो फिर कॉन्स्टेंट हो गया, क्योंकि उसमें जो नाइट्रोजन उसको मिलनी चाहिए थी वो मिल चुकी है, अब डालने से कोई फायदा नहीं। पर आप लालची हो, आपने और डाल दिया, 100 किलो डाल दिया, 100 किलो डालते हो क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, क्रॉप भी जल गई। तो इसमें क्या करना है कि यहाँ फर्टिलाइजर का एग्जांपल लिया, चाहे लेबर का ले लो, तो इसमें एक फैक्टर को वेरिएबल मानना है और अदर इनपुट्स फिक्स होने चाहिए। मैंने कहा चेंज नहीं होने चाहिए। इन द नेचर रिलेशनशिप बिटवीन द सिंगल वेरिएबल्स इनपुट एंड आउटपुट केयर आइदर बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए पहला क्या है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न एंड लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, अब एक एक देखेंगे क्या है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग है कि अगर आप एक यूनिट बढ़ा रहे हो तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि बहुत अच्छा बढ़ेगा। ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ द वेरिएबल इनपुट्स अप्लाई टू द फिक्स फैक्टर एंड एड द मोर टू द टोटल प्रोडक्ट ऑफ द प्रीवियस यूनिट, जो पहले वाला था उससे देखिए। अब देखिए ये एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ आएगा, इकोनॉमिक्स एग्जाम्पल पर ही होती है। पहले समझ लो एक ये लेबर लगाई मैंने तो आउटपुट कितना आ गया, दो। कितना आउटपुट आ गया, दो आ गया। दूसरी लेबर लगाई तो 6 आ गया, मतलब कितना बढ़ गया, पहले दो था अब कितना, 4 ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब तीसरी लेबर लगाई तो 12 हो गया, तो इसके अंदर कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। अब ये चौथी लगी तो 20 हो गया, इसके अंदर कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया। तो इसमें कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, क्योंकि ये क्या है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। MPP क्या होता है कि एक यूनिट बढ़ाने से कितना फ़र्क पड़ा। जैसे मैंने एक बढ़ाई, पहले दो था, अब दूसरी लगाई तो 6 हो गया, तो पहले कितना था, दो था, तो उसमें माइनस कर देंगे कि भाई एक ईच यूनिट से, कि एक यूनिट बढ़ाने से कितना प्रोडक्शन बढ़ा है। जैसे अब 6 है, ठीक है, अब 6 है तो पहले कितना था, दो था, तो अब एक यूनिट बढ़ाने से इसमें कितनी बड़ी यूनिट, एक बढ़ी है, तो अपन करेंगे तो क्या आएगा, 6 कम 6 ही आएगा। तो इसलिए यह है कि इसमें एक यूनिट बढ़ाने से कितना फ़ायदा हो रहा है, अपन को ये देखना है कि एक यूनिट बढ़ाने से कितना फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि देखिए पहले दो था, फिर 6 हो गया, तो इस दो के कारण दूसरा जो आया ना, इसके कारण 6 हो गया, तो इसका मतलब इंक्रीजिंग हो रहा है लेबर बढ़ाने से। ये 4 था तो पहले 12 था, 20 हो गया, तो एक यूनिट बढ़ाने से कितना। MPP बाद में अच्छी तरह से देखेंगे, इसको समझने की जरूरत नहीं। आप ये समझ लो इसमें इंक्रीजिंग कैसे हो रहा है। ठीक है, इसका वो अब रिलेशनशिप समझेंगे ना अगली वीडियो में, तब देखेंगे। अब देखिए इसका मेन चीज़ क्या, एग्जाम क्वेश्चन क्या आएगा कि इसका ग्राफ कैसे होता है। तो इसका ग्राफ इंक्रीजिंग का होता है S से,
कैसे? ऐसे। अब कांस्टेंट का कैसे होता है? ऐसे एकदम कांस्टेंट। और डिक्रीजिंग का कैसे होता है? ऐसे। ये दिमाग में रखना, वापस देख लो। इंक्रीजिंग का कैसे होता है? ऐसे। कांस्टेंट का कैसे होता है? ऐसे। और डिक्रीजिंग का कैसे होता है? ऐसे। ठीक है, अब ये क्या है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये देखिए, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये क्या है? कॉनकेव टू द एक्सिस। ये क्या है? कॉनकेव। ये क्या है? कॉन्वेक्स। अब ये कौन से क्वेश्चन ये आ जाएगा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग में जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? तो क्या करना है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजन। ये हो गया, ग्राफ समझ में आ गया। इसमें देखिए, लॉ ऑफ द कॉन्स्टेंट रिटर्न क्या है? कॉन्स्टेंट मार्जिन ऑफ प्रोडक्टिविटी, ईच एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट्स व्हेन अप्लाई टू द फिक्स फैक्टर प्रोड्यूस द इक्वल अमाउंट ऑफ द एडिशनल प्रोडक्ट। द अमाउंट ऑफ ए प्रोडक्ट टीपीपी इंक्रीज बाई द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ ईच यूनिट ऑफ इनपुट। मैंने क्या कहा था? सेम बढ़ रही। अब ये देखिए, ये है इसका ग्राफ। जैसे जैसे इसको बढ़ा रहा हूँ, जैसे उतना की उतना बढ़ रहा है, उतना की उतना बढ़ रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें इसमें क्या हो रहा है? इसमें ज़्यादा बढ़ रहा है, देख लेना। इसमें ज़्यादा आएगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा आएगा, तभी तो इसको इंक्रीजिंग बोलते हैं। और ये कॉन्स्टेंट है सीधा वाला, ठीक है। ऐसे करके ऐसे देख लेना, कितना अंतर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जितना इनपुट लगा रहे ना, उतना ही मतलब आउटपुट आ रहा है, तो बराबर हो रहा है इसमें, इसलिए उसको लो कॉन्स्टेंट बोल रहे हैं। द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट रिमेंट द सेम ऑफ ईच यूनिट इनपुट्स, मार्जिनल भी सेम रहेगा। ये देखिए, इसमें भी एग्जाम्पल दे रहेगा, ये रहा, ठीक है। अब इसमें देखिए, पहले एक था तो 10 आउटपुट आ रहा था, दूसरा तो 20 आने लग गया, तीसरा तो 30 आने लग गया, चौथा तो 44 आने लग गया। तो मतलब बराबर आ रहा है, जितना लगाया था उतना ही बढ़ रहा है। अब क्या है कि लॉ ऑफ इसका देखिए, ग्राफ ही सीधा ही है इसका, तो सीधा ही पता चल जाएगा। अब लॉ ऑफ डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग के अंदर क्या हो रहा है कि फ्रेंड्स, इसका ग्राफ आएगा, मैंने कहा था ऐसा आएगा, कॉनकेव। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि ईच यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट्स व्हेन अप्लाई टू द फिक्स फैक्टर एंड लेस टू द टोटल फैक्टर ऑफ द प्रीवियस यूनिट, पहले से कम हो रहा है। जो प्रीवियस पहला कर रहा था वो कम कर रहा है, क्यों? क्योंकि आपने लेबर लगा दी ज़्यादा, अब लेबर की हार्वेस्टिंग में लगा दी लेबर ज़्यादा। अब क्या हो रहा है कि एक की कोनी दूसरे के लड़ गई, तो दोनों लड़ने लगे, और ज़्यादा हो गया तो बातें करने लगे। अब औरतें थी वो तो बातें करने लगी, आदमी का हो गए लड़ाई, धमाधम धमाधम। तो अब क्या हो रहा है कि ज़्यादा डाल रहा है, इसलिए वो डिक्रीज हो रहा है, ये ध्यान रखना अपन को, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये देखिए, वेरी कॉमन एग्जाम्पल है। अब इसका ग्राफ मैंने कहा था ऐसा होता है, ठीक है, ये मैंने बता दिया था आपको। ये मैंने कौन के इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं था, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। मैंने क्या कहा था, इसका ग्राफ ऐसा होता है, इंक्रीजिंग का कैसा होता है, इस ऐसा होता है, और कॉन्स्टेंट का कैसा होता है, ऐसा होता है। तो द कॉस्ट ऑफ द ईच एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इंक्रीज वी प्रोड्यूस मोर एंड मोर आउटपुट, हैंस इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ द इंक्रीजिंग कॉस्ट। ये इंक्रीजिंग का वापस बता दिया इसने, ठीक है। डिक्रीजिंग का पता आपको घटेगा उसमें। तो अब इसके अगले वीडियो में अपन क्या देखेंगे कि MPP, APP और TPP क्या होता है, उसके बीच में मतलब क्या रिलेशनशिप होता है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो आएगी। पर आपको इसमें ये आज इतना ही डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। अगली वीडियो में जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर आप इसमें बताना कि अपना फीडबैक देना, क्योंकि ऐसे मतलब मज़ा नहीं आता। मैं इतनी मेहनत करके बना रहा हूँ वीडियो, और आपका कोई मतलब एक रिप्लाई भी नहीं आ रहा कि अच्छी बनी है ख़राब बनी है, तो फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो आप इसमें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसमें अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।